हिंदी में जानना चाहेंगे कि आप लोग जो है स्ट्राइक पर जा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? लगभग 10 लाख बैंक कर्मी 30 और 31 मई को 2 दिन के लिए हड़ताल पर जा रहे हैं। उसकी प्रमुख मांग ये वेज रिवीजन की है, यानी वेतन बढ़ोतरी की बात चल रही है। हमको 1 नवंबर 2017 से नया वेतन मिलना चाहिए। लगातार निगोशिएशन करने के बाद बैंकर्स ने हमको जो ऑफ़र दी है वो लगभग सिर्फ 2% की ऑफ़र दी है। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बैंक एम्प्लॉयज़ का इंसल्ट है। यही पीरियड है जिस पीरियड में बैंक एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत सारा काम थोपा गया था, जैसा कि हमने देखा जनधन बैंक कर्मियों ने किया, बाद में वो डीमोनेटाइजेशन का जो लोड था वो बैंक कर्मियों ने सहा, उसके बाद मुद्रा स्कीम आई, उसके बाद अटल पेंशन आया। गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो सब इनिशिएटिव्स बैंकर्स के थ्रू इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। उसका जो असर है वो बैंकों में जो वर्कलोड है वो वर्कलोड में बढ़ोतरी का असर है। वो अगर देखा जाए तो हमको लगता है कहीं ना कहीं बैंक कर्मियों को एक प्रॉपर वेज रिविजन मिलना चाहिए, वो कि मिला नहीं। सर, आपके इस स्ट्राइक में कितने संगठनों का आपको समर्थन प्राप्त है? इस स्ट्राइक में 9 संगठन है, यानी लगभग 100% बैंक एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स इस स्ट्राइक पे जाएंगे, और लगभग किसी भी बैंक की ब्रांच का शटर भी नहीं खोला जाएगा इस हद तक ये स्ट्राइक सक्सेसफुल होगा। आपके इस स्ट्राइक में जो है क्या निजी बैंकें भी जाएंगे या समथिंग? हाँ, ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उस दिन स्ट्राइक पे जाएंगे। रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स जो है वो भी उस दिन स्ट्राइक पे जाएंगे।